बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान की 26 तारीख है। हम तज़किया बिल्कुरान के अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। तज़किया बिल्कुरान के हवाले से हमारा आज का मौजू है ज़िक्रुल मौत, मौत की याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल्लज़ीज़ुल ग़फ़ूर। ये सूरह मुल्क की पहली और दूसरी आयात हैं। इनका तर्जमा यह है, वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वह हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि ये कायनात जो है, इसका जो खालिक और मालिक है, जिसके हाथ में इसकी बादशाही है, वो बड़ी बरकत वाला है। उसकी बरकत का ज़हूर इस ज़मीन व आसमान में होता है। यहाँ खैर पैदा होती है और बरकत पैदा होती है, जिससे उसकी मखलूकात बहरामंद होती हैं। बहुत बड़ी निशानी यह है कि मखलूकात का सिलसिला इस पर मुसलसल जारी है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर अगर कोई जलजला और तूफ़ान भी आते हैं तो वो भी अपने अंदर खैर व बरकत के पहलू लिए होते हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ कर सकता है। कायनात को देखने के बाद इंसान इस पर यकीन कर लेता है कि जिसने ये कायनात बनाई है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, और जो इसको चला रहा है, इसको ले कर चल रहा है, उसके लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी ये कायनात ही उसके बारे में बता देती है कि वो कितना ज़बरदस्त कदीर ज़ात है। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। यहाँ दुनिया में जो मौत और ज़िंदगी का सिलसिला जारी है कि यहाँ ज़िंदगी पैदा होती है और फिर उसका इख्तिताम हो जाता है, यानी उस पर मौत आ जाती है, तो ये अल्लाह ही ने किया है जो इस कायनात का खालिक है और मालिक है। उसी ने ये मौत और ज़िंदगी का सिलसिला यहाँ पर रखा है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। ये बता दिया, यानी इंसानों को बता दिया कि ये मौत और ज़िंदगी का जो मामला रखा गया है कि तुम यहाँ पैदा होते हो, फिर ज़िंदगी बसर करते हो, फिर एक दिन मर जाते हो, तो ये सारा वक्फ़ा जो तुम्हें दिया जाता है, ज़िंदगी का वक्फ़ा, पैदाइश से लेकर मौत तक का वक्फ़ा, ये इसलिए दिया जाता है कि तुम्हारी आजमाइश मकसूद है। किस पहलू से आजमाइश मकसूद है? कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी खुदा ये देख रहा है कि उसके बंदों में से अच्छे अमल करने वाला कौन है और कौन नहीं है। ज़ाहिर है दोनों पहलू होंगे ना, कि अल्लाह ताला ये देख रहा है कौन अच्छे अमल करता है और कौन अच्छे अमल नहीं करता। और वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, कोई उसकी पकड़ से बच नहीं सकता, और वो बहुत बख्शने वाला है। जो उससे बख्शिश मांगने आएगा तो वो बड़ा फयाज़ है बख्शने में। यानी कि जो वो वाक़ता बख्शिश लेने आएगा, बख्श जो चाहेगा कि उसे बख्शा जाए, तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है। इसी तरह इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ून उजूरकुम यौमिल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। ये सूरह आले इमरान की 185 नंबर आयत है। इसका तर्जमा ये है, हर शख्स को मौत का वादा चखना है। यानी इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जो दुनिया में पैदा हुआ हो और उसको मरना ना हो। हर शख्स को पर मौत आनी है और उसने मौत का मज़ा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये अमाल ही का मामला तो असल मामला है, जैसे कि पिछली आयात में बताया गया कि अल्लाह ने जांचने ही के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मामला यहाँ पे जारी किया है। तो फिर जो भी इंसान ने अमाल किए होंगे उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स आतशे जहन्नम से दूर रखा गया, यानी कि अमाल के बदले के हवाले से, फिर जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से दूर रखा और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। यानी जिसको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया, जन्नत में दाखिल किया और दोज़ख से बचा लिया, वो अपनी मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। बहुत बड़ी बातें हैं
जो इन आयात में बता दी गई हैं कि ये ज़िंदगी आजमाइश के लिए है और तुम्हें पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा, तुम्हारे आमाल का बदला होगा वो, और इसमें फिर जो शख्स तो जहन्नम की आग में पड़ेंगे वो तो बहुत ही बदबख्त हुए, यानी उनका तो तबाह हो गया वो बिल्कुल, और जो बचा लिए गए उससे और जन्नत में दाखिल कर दिए गए वो कामयाब हो गए, वो अपनी मुराद को पहुंच गए। और ये दुनिया की ज़िंदगी अगर तुम इसमें खो गए और इसकी वजह से तुमने आखिरत को गवा दिया, जन्नत को गवा दिया और तुम दोजख के आग के सुपुर्द कर दिए गए, तो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। यहाँ तो दिल लगाने की जगह नहीं थी, दिल तो उस जगह लगाना चाहिए जो मुस्तकिल हो, ये तो आर्जी है, ये तो एक चीज़ दिखाई, जैसे एक चीज़ दिखाई दे और आदमी उसके पीछे भाग पड़े और वो गायब हो जाए, तो ये तो धोखे की चीज़ है। दुनिया इसी तरह है कि इंसान के सामने आती है, इंसान उसे हासिल करता है और फिर वह उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन बेअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ये सूरह लुकमान की 34 नंबर आयत है, इसका तर्जमा ये है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा और कोई मुतनफ़स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी, बेशक अल्लाह ही जानने वाला और ख़बरदार है। यानी ये बताया गया कि किसी इंसान के लिए भी ये मुमकिन नहीं कि वो ये जान सके कि कल उसने खुद क्या काम करना है। यानी काम तो इंसान अपनी मर्ज़ी से किया करता है ना आम तौर पर, लेकिन इंसान नहीं जानता कि मुझे कल क्या करना होगा, मैंने कल क्या करना है। उसके बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं कि मैं कल ये करना है ये करना है, तकरीबन हर शख्स के प्रोग्राम होते हैं कि कल की जिम्मेदारियां मेरी ये हैं, कल के मेरे प्रोग्राम ये हैं, कल के मेरे इरादे ये हैं, लेकिन फरमाया नहीं, इंसान को नहीं मालूम कि अमलन उसने करना क्या है। ये तो उसके ख्यालात हैं ना, उसके इरादे हैं, लेकिन अमलन वो क्या करेगा कोई शख्स नहीं जानता। और कोई मुतनफ़स यानी कोई भी सांस लेने वाला, वही मुराद है कि कोई भी शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। यानी ये भी इंसान को मालूम नहीं है कि मुझे कब मौत आएगी, किस जगह मौत आएगी। ज़ाहिर है अगर ये इंसान को पता हो तो इंसान तो उस जगह जाएगा ही नहीं जहाँ उसे मौत ने आना हो, लेकिन तकदीर गालिब होती है, बंदा तो उससे पीछे रह ही नहीं सकता, बंदा तो वहाँ पहुँच के रहता है जहाँ उसे मौत आनी हो। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि इंसान को मालूम ही नहीं कि किस सरजमीन में उसे मरना है, बेशक अल्लाह ही जानने वाला और ख़बरदार है। अल्लाह ताला को मालूम है कि किसने कहाँ मरना है और किसने कल क्या काम करना है, और वो ख़बरदार भी है, यानी वो पूरी खबरें रखता है। इसी तरह इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ युआख़िज़ुल्लाहुन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जा अजलुहुम फ़इन्नल्लाहा काना बिइबादिही बसीरा। ये सूरह फातिर की 45 नंबर आयत है, इसका तर्जमा ये है, और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए ज़मीन पर एक चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है, सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा। अल्लाह तो अपने बंदों को देख रहा है। इन इस आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला इंसानों को उनकी बदअमालियों पर फौरन नहीं पकड़ता, अगर वो ऐसा करे फौरन पकड़ने लगे तो इस दुनिया के अंदर जितने भी हैं वो सारे ही मारे जाएं, सारे ही पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। लेकिन अल्लाह का तरीका ये नहीं है, वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है ताकि जो जिससे नेकी करनी है वो नेकी करता चला जाए, और जो बदी पर जम गया है और वो बताना चाहता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तो जो वो चाहता है अपने बारे में कि फैसला किया जाए, वो दिखाए कि वो कितना बुरा आदमी है और कहाँ तक आगे जाता है, क्या वो तौबा करता है कि नहीं, उसका ज़मीर उसको कहता है, यानी खुदा ने जो वाइज रखा हुआ है उसके अंदर नसीहत करने वाला ज़मीर, नफ्स लवामा जैसे हम कहते हैं, वो उसे टोकता है रोकता है, जो तालीम अम्बिया की है वो उसे टोकती है रोकती है, खुदा का कलाम उसको मना करता है रोकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपने जराइम पर आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है तो ये उसकी मर्ज़ी है, इसी आजमाइश में तो वो डाला गया था, तो फिर अल्लाह उसको मोहलत देता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा, यानी चाहे नेक आदमी हो उसका वक्त आ जाएगा या बाद आदमी हो तो उसका वक्त आ जाएगा, तो उनके अमाल का बदला देगा, यानी खुदा उनके फिर रूह कब्ज़ कर लेगा, दुनिया से उठा लेगा, और फिर क़यामत में उनके अमाल का जो बदला होगा, नेकों के अमाल का अच्छा बदला और बुरों के अमाल का
उसके मुताबिक बदला है, जो अदल और इंसाफ के मुताबिक जो बदला बनता होगा वो उन्हें देगा। अल्लाह तो अपने बंदों को देख रहा है, यानी अल्लाह ताला गाफिल नहीं है बंदों से। उसने अगर मखलूक को पैदा किया है तो उनका सारा हिसाब रखे हुए है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनके आमाल नामे तैयार हो रहे हैं। ये ज़ाहिर है खुदा के निज़ाम ही से हो रहे हैं ना, खुदा के हुक्म से हो रहे हैं। खुदा ने जो सिस्टम बना दिया है, फरिश्तों को जिस जिम्मेदारी पर लगा दिया है, तो उनके नेक और बुरे आमाल लिखे जा रहे हैं। इसी तरह इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये सूरह मुनाफिकून की 9 और 10 नंबर आयात हैं। इनका तर्जमा ये है, मोमिनों तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए, तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता, और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। इन आयात में बताया गया है कि मोमिनों को ये खबरदार किया गया है कि उनका माल और उनकी औलाद, जो कि दुनिया में एक कशिश की चीज़ है, इनकी मोहब्बत तुम्हें खुदा की याद से गाफिल ना कर दे, यानी इनकी मोहब्बत में तुम खुदा के आकाम से गफलत न करने लग जाओ। इनकी मोहब्बत और इनके कामों में मशगूलियत की वजह से, इनको खुश करने की वजह से, माल को बढ़ाने की वजह से, औलाद की खुशी की खातिर तुम्हारी नमाजें छूट ना जाएं, और तुम्हें माल के मामले में हलाल और हराम की परवाही ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी माल और औलाद की मोहब्बत में कहीं तुम खुदा की याद से गाफिल ना हो जाओ और खुदा के अहकाम से गाफिल ना हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ कि तुम खुदा की याद से गाफिल हो गए तो तुम ज़ाहिर है वो काम नहीं कर सकोगे जो खुदा को खुश करने वाले हैं, जो खुदा को राज़ी करने वाले हैं, बल्कि तुमसे ऐसी कोताहियाँ होंगी जो खुदा को नाराज़ करने वाली हैं। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए। ये बताया गया कि जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो पेशतर इसके, यानी पहले इसके कि तुम में किसी की मौत आ जाए। मौत पर तो अमाल इंसान नहीं कर सकता, अमालनामा बंद हो जाएगा, यानी जब मौत आ जाती है ना तो इंसान का अमालनामा बंद हो जाता है, फिर वो कोई अमल नहीं कर सकता। फिर तो उसका जो मीरास होती है वो उसकी औलाद जो है उनकी, या बीवी बच्चे जो भी हैं, अगर और रिश्तेदार जो भी वरासा हैं, वो दौलत उनकी हो चुकी होती है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं खर्च कर सकता वो खुद। तो फरमाया उससे पेशतर तुम अल्लाह की राह में खर्च कर लो, तुम्हारे काम आएगा। तो अगर तुमने ऐसा ना किया हुआ और मौत आ गई तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। यानी ये फरमाया कि उस वक्त फिर जब मौत सर पे खड़ी हो, पता हो कि अब मौत आ गई, तो उस वक्त इंसान ये ख्वाहिश करे कि या अल्लाह, मैं तो खैरात करना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ मैं नेक लोगों में शामिल हूँ, तो मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी दे ताकि मैं फिर अपना माल जो है उसमें से तेरी राह में खैरात करूँ ताकि तुम इससे राज़ी हो और मुझे नेक लोगों में शामिल करे। लेकिन खुदा कहता है, और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। यानी ये खुदा का तरीका है, खुदा किसी की मौत बेवक्त लाता ही नहीं, उसकी मौत जब आनी चाहिए हो उसी वक्त आती है। और फिर अगर कोई शख्स कहे कि नहीं जी, मौत अगर थोड़ी सी देर के बाद आती तो मैं कुछ और कर लेता, नेकियां कर लेता, ये एक उसकी बेकार बात है, इस बात की कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि ये कोई हकीकी बात ही नहीं है। इंसान को अगर मौका दिया भी जाए तो वो कुछ नहीं साबित करेगा मगर वो जो साबित कर चुका है, उससे ज़रा भी तब्दीली नहीं होगी। और फरमाए जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है, अल्लाह को पता है कि तुम क्या हो, तुमने क्या किया है, एक एक चीज़ मालूम है खुदा को। इसी तरह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत
قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها فمن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. یہ سورہ مومنون کی 99 اور 100 نمبر آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں. ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا. اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک رہیں گے. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جو مخاطبین ہیں، یہ ظاہر ہے ان سے خطاب ہے نا یہ، اور پھر ان کے تحت جو بھی اس رویے کو اپنانے والے ہیں، یہ کلام ان سب سے خطاب کر رہا ہے. لیکن مخاطبین اولین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ تو اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو اس وقت یہ کہنے لگے گا اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں بھیج دے. موت آئی اور یہ چلا گیا دنیا سے، اب وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں اسے چھوڑ تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں واپس جاؤں اور نیک کام کیا کروں. فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، یعنی انسان جو کچھ کہہ رہا ہے نا یہ صرف بات ہے، اس کے پیچھے عمل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ واقعی کرے گا بھی، کر سکتا ہی نہیں ہے. اس کی جو شخصیت ہے اسی کا ظہور ہوگا جسے وہ ثابت کر چکا ہے. اور فرمایا اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک رہیں گے. یعنی اب ایک پردہ ہے، وہ پردہ ان کو پیچھے بھی نہیں آنے دے گا اور آگے بھی نہیں جانے دے گا. یعنی پردے کے اندر ہیں یہ لوگ، تو یہ ان کے لیے اب قیامت کو جب ہوگا تو میدان حشر کی طرف تو یہ جائیں گے، لیکن دنیا میں آنا اس کے کوئی سوال نہیں ہے. اور میدان حشر میں بھی جب وہ وقت آئے گا تو جائیں گے، تو ابھی یہ ایک پردے کے پیچھے ہیں. اسی طرح ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. یہ سورہ مومنون کی 106 سے 108 تک کی آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے، اے پروردگار ہم کو اس دوزخ میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ خدا سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو بدبخت ٹھہرے، ہماری جو بدبختی تھی کم بختی تھی وہ ہم پر غلبہ پا گئی، تو ہم نے برائی اختیار کر لی اور ہم برائی پر ٹکے رہے اور صحیح رستے سے بھٹک گئے، تو اب تو ہم پر رحم کر اور ہمیں دوزخ سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اگر دوبارہ ہم نے ایسے کام کیے، یعنی ہم اب دنیا میں دوبارہ جائیں گے تو ایسے کام نہیں کریں گے، اللہ فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو. جو ذلت تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اسی میں رہو گے اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی میں تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں تم سے بات کروں، انہیں بات سے روک دے گا. تو ظاہر ہے اگر کسی شخص سے خدا بات کرنے سے انکار کر دے تو پھر اس کے لیے تو کوئی رحم کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ناممکن ہے کہ پھر کوئی خیر کا راستہ اس کے لیے کھلے. اسی طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ سورہ کہف کی 103 اور 104 نمبر آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. اب یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کہ جس کا اختتام موت پر اختتام ہو جانا ہے، اس زندگی میں سب سے گھاٹے میں کون رہا، یعنی اس زندگی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انجام کار سب سے گھاٹے میں کون ہوگا، تو اعمال کے اعتبار سے
वो लोग सबसे घाटे में होंगे, सबसे बड़े नुकसान में होंगे, जिन लोगों की सारी जिद्दोजहद दुनिया की ज़िंदगी ही में खो गई, दुनिया की ज़िंदगी ही में बर्बाद हो गई, जो काम किया दुनिया के लिए, आगे बढ़े दुनिया के लिए, पीछे हटे दुनिया के लिए, कोई बड़ा काम किया दुनिया के लिए, कोई छोटा काम किया दुनिया के लिए, और समय रहने हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये दुनिया को हमने कितना चमकता और रोशन बना दिया है और दुनिया को सजा दिया, या जो भी वो कहते हों, तो वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। उनकी सारी ज़िंदगी इस दुनिया ही के लिए में मेहनत के लिए ख़त्म हो गई, यानी ज़िंदगी जो मिली थी ना वो दुनिया की कोशिशों ही में बर्बाद हो गई। तो ये लोग सबसे ज़्यादा घाटे में आए। तो फिर क्या होना चाहिए था कि आखरत कमाते, दुनिया आखरत की खेती है, तो इसमें वो आमाल, ऐसे आमाल करते कि जिनका फल ये आखरत में पाते, यानी दुनिया के अंदर रहते हुए आखरत में कामयाबी वाली ज़िंदगी बसर करते, दुनिया में ऐसी ज़िंदगी बसर करते जिसका नतीजा ये होता कि अल्लाह ताला के आमत में इनसे राज़ी होता, इनसे खुश होता और इन्हें जन्नत अता करता। इसी तरह इरशाद बारी है, बिस्मिल रहमान रहीम, अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक वला यकूनू कल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत कुलूबहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। ये सूरह हदीद की 16 नंबर आयत है। इसका तर्जमा ये है कि अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो अल्लाह बरक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नरम पड़ जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थीं, फिर उन पर ज़माने तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें अक्सर नाफरमान। इन आयात में हमें बताया गया कि जो लोग ईमान ले आए हैं तो उनके लिए वो वक्त आ जाना चाहिए कि इनके जो दिल हैं अल्लाह की याद के लिए नरम हो जाएं, ख़ासकर उस वक्त जब ये कुरान सुन रहे हों, जब ये खुदा को याद करें तो इनके दिल नरम पड़ जाएं और जब ये कुरान को सुने तो उनके दिल नरम पड़ जाएं। इस आयत में ये बताया गया है कि क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आ गया, यानी जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके लिए ऐसा वक्त अब तक नहीं आया कि अल्लाह की याद करते वक्त उनके दिल नरम पड़ जाए और कुरान को वो सुने, कुरान की बात अल्लाह का कलाम सुने तो उनके दिल नरम हो जाए, झुक जाए, उनकी आँखों में आंसू आ जाए और वो खुदा की फरमा बरदारी की तरफ आगे बढ़ें और वो उन लोगों की तरह न हो जाएँ जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थीं, यानी कि जो पिछली कौमें हैं उनको जो अल्लाह की किताबें दी गईं तो उन पर एक तवील ज़माना गुजर गया, तो जब एक लंबा अरसा गुजरा तो उनके दिल सख्त हो गए। क्यों सख्त हो गए? इसलिए कि वो अल्लाह की याद के से गाफिल थे और खुदा का कलाम जो उनको अता हुआ था, खुदा की किताब, खुदा के अहकाम जो उन पर नाजिल हुए थे, उनके लिए नाजिल किए गए थे, उनसे वो गाफिल रहे, बेपरवाही की। तो जब बेपरवाही की तो फिर उनके दिल सख्त हो गए, उनमें नरमी नहीं रही कि खुदा के लिए झुकें, खुदा के आगे झुकें, खुदा की बात मानने फरमानबरदारी का रवैया अख्तियार करें। तो फिर इसका नतीजा क्या हुआ? उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो नाफरमान हो गए, नाफरमानी की ज़िंदगी बसर की और नाफरमान ही मरे। इन आयात में हमें ये बताया गया है कि मौत का ख़ास पहलू जो इसमें इन आयात का है कि भाई मौत एक ऐसी बड़ी हकीकत है जिससे हर इंसान शख्स वाकिफ़ है, तो वो हकीकत जो है उसके लिए तुम तैयारी करो, क्योंकि उस वो हकीकत ऐसी है कि जो ही मौत आई तुम्हारा आमालनामा बंद हो जाएगा, जो तुमने करना था कर लिया, अब उसके बाद तुमने उसका बदला पाना है। अगर तो अच्छा किया तो अच्छा बदला मिलेगा, और अगर तुमने कोई जराइम किए हुए, खुदा की बात से गफलत इख्तियार की, नबियों का कहा ना मानना हुआ, खुदा के कलाम से तुमने गुरेज किया हुआ, तो फिर उसका नतीजा तो बड़ा सख्त भुगतना पड़ेगा। तो अपनी तुम इसलाह कर लो, और मौत से पहले पहले, यानी इसमें मौत के पहलू को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।